बच्चों आप रोज भोजन करते हैं, भोजन में आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, आप ये दाल चावल कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप कहेंगे बाजार से, दुकानों से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन दुकानों में ये दाल चावल कहाँ से आते हैं? जी हाँ, ये पौधों से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो हम ये सभी प्राणी भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं, लेकिन पौधे अपने आहार के लिए किस पर निर्भर करते हैं? जी हाँ, पौधे अपना आहार स्वयं निर्माण करते हैं और उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का अर्थ होता है लाइट और सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, यानी पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को जानने के लिए कई प्रयोग किए गए। कई वैज्ञानिकों ने कई प्रयोग किए और प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को जाना। सबसे पहले हम वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्ले के प्रयोग के बारे में जानेंगे। उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन गैस की खोज की। उसके बाद उन्होंने कई प्रयोग किए। उनमें से एक प्रयोग यह था कि उन्होंने एक बंद बैल जार लिया और उस बैल जार के अंदर जलती हुई मोमबत्ती रखी और एक चूहा रखा। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने देखा कि वह मोमबत्ती बुझ गई और चूहा भी मर गया। उसके बाद उन्होंने ऐसा किया कि उस बंद बैल जार के अंदर पुदीने का पौधा रखा और जलती हुई मोमबत्ती और चूहा रखा। उन्होंने यह पाया कि मोमबत्ती भी जलती रही और चूहा भी नहीं मारा। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उस बंद बैल जार के अंदर वायु जो थी वह वायु जलने के लिए और जीवन के लिए उपयोगी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में जलती हुई मोमबत्ती और चूहे द्वारा उसे उपयोग कर लिया गया और वह ख़त्म हो गया। इसीलिए मोमबत्ती भी बुझ गई और चूहा भी मर गया। लेकिन जब पुदीने के पौधे को रखा गया तो पौधे द्वारा उस उपयोगी वायु की पूर्ति की गई। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि पौधे जो हैं उनमें कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे वे उपयोगी वायु को मुक्त करते हैं, यानी वायु को शुद्ध करते हैं। अब हम वैज्ञानिक जॉन इंजनहाउस के प्रयोग को जानेंगे। जॉन इंजनहाउस ने जोसेफ प्रिस्ले ने जो सेटअप तैयार किया था उसी सेटअप का प्रयोग किया। उन्होंने इस सेटअप को एक बार अंधेरे में रखा और एक बार सूर्य के प्रकाश में। उन्होंने पाया कि अंधेरे में यह पूरी प्रक्रिया नहीं हो रही है, यानी उपयोगी गैस उपयोगी वायु जो मुक्त हो रही थी वह नहीं हो रही है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह पूरी प्रक्रिया हो रही है, उपयोगी वायु मुक्त हो रही है। इससे यह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पौधे द्वारा जो भी प्रक्रिया हो रही है उसके लिए सूर्य के प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्होंने एक और प्रयोग किया। इस बार उन्होंने जलीय पौधा लिया। इस जलीय पौधे को उन्होंने अंधेरे में रखा एक बार और दूसरी बार सूर्य के प्रकाश में रखा। इस बार उन्होंने पाया कि जब अंधेरे में रखते हैं जलीय पौधे को तो उसमें से किसी भी प्रकार का बुलबुला नहीं निकलता, लेकिन जब उसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। बाद में उन्होंने इस बुलबुले को ऑक्सीजन के रूप में इसकी पहचान की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधों के हरे भाग से ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। वैज्ञानिक जूलियस वॉन सैचर्स के प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि उनके प्रयोगों ने यह प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है तो उसमें ग्लूकोज यानी शर्करा का निर्माण होता है और ये ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में पौधों की कोशिकाओं में संचित रहता है। ग्लूकोज पौधों के हरे भागों में बनता है यह भी उन्होंने बताया, और ये हरा भाग क्लोरोफिल वर्णक क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होता है। और उन्होंने यह पता किया कि क्लोरोफिल पिगमेंट कोशिका के क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग में पाया जाता है। अब हम वैज्ञानिक TW एंजलमैन के प्रयोग के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम, जिसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको वर्णित किया।
अब ये एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? आप स्पेक्ट्रम तो जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगी। देखिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसमें कई प्रकार की किरणें होती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं, दृश्य प्रकाश जिसे विजिबल, जो कि इंग्लिश में विजिबल रेज कहते हैं, और इंफ्रारेड रेज जिसे अवरक्त किरणें कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश यानी विजिबल रेज बहुत आवश्यक होता है। इसी विजिबल रेज में बहुत सारी किरणें होती हैं, विजिबल रेज बहुत सारे किरणों से बना होता है। यदि हम किसी प्रिज्म में इसी दृश्य प्रकाश किरणों को गुजरने दें तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। इसी 7 रंगों को आपने इंद्रधनुष में भी देखा है और इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने इस प्रयोग में एक हरे रंग का शैवाल जिसे क्लैडोफोरा कहते हैं उसे लिया और उस क्लैडोफोरा को ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा। अब ये ऑक्सीबैक्टीरिया क्या होता है? आप जानते हैं 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इन्हें ऑक्सीबैक्टीरिया कहते हैं, और जिन्हें श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उन्हें अनऑक्सीबैक्टीरिया कहा जाता है। तो इन्होंने प्रयोग में ऑक्सीबैक्टीरिया को लिया क्योंकि वह ऑक्सीजन उत्पन्न होने के क्षेत्र को जानना चाहते थे। अब उन्होंने क्लैडोफोरा जो कि एक एल्गी है उसमें स्पेक्ट्रम को डाला और थोड़े देर बाद उन्होंने देखा कि ऑक्सीबैक्टीरिया लाल और नीले क्षेत्र, स्पेक्ट्रम के लाल और नीले क्षेत्र में ही एकत्रित हो गए हैं, यानी उसी क्षेत्र में उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। इस प्रयोग से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि दृश्य प्रकाश के सिर्फ लाल और नीले प्रकाश में ही सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी को एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वैज्ञानिक कॉर्नेलियस वैन नील के प्रयोग ने प्रकाश संश्लेषण को समझने में मील का पत्थर का काम किया। इससे पहले तो यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, लेकिन यह नहीं पता था कि यह ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है या जल के अणुओं से निकलता है, क्योंकि दोनों के अणुओं में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक कॉर्नेलियस वैन नील ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने हरे और बैंगनी प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया को लिया और इस बैक्टीरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के स्थान में हाइड्रोजन सल्फाइड उपलब्ध कराया और उन्होंने यह पाया कि इस बार ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं हो रहा जबकि सल्फर मुक्त हो रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है वह जल के अणुओं से होता है और जल के अणु जो है वो विघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन गैस के रूप में बदल जाता है और यह जो हाइड्रोजन आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बाद में रेडियो आइसोटोपिक तकनीक द्वारा यह सिद्ध किया गया कि ऑक्सीजन गैस जल के अणुओं द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इन सभी प्रयोगों से हम इस निष्कर्ष को निकाल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के हरे भागों में ही होती है, यानी क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज शर्करा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का निर्माण करता है और जल H2O ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन गैस देता है और हाइड्रोजन आयन भी देता है।